हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं उनको आपसे अलग कर पाना आसान नहीं है। वो इंसान ऐसे नहीं है कि आपको छोड़ देंगे या आपकी लाइफ से बिल्कुल हमेशा के लिए चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो इंसान आपसे जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन देखिए यहाँ पर बात ये है, ईगो बहुत ज़्यादा है। और इस इंसान पर हो सकता है, अगर ये अभी मैरिड नहीं है तो इन पर परिवार का भी दबाव है। वो यहाँ पर इनकी मदर हो सकती है, कोई ना कोई फीमेल फिगर है, इनकी मदर ही लगती है जो इन पर दबाव बनाती हैं कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। और इन्हें रिश्ते भी दिखाए जाते हैं, और ये इंसान ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, ये भी देखते हैं, समझना चाहते हैं, मिलते हैं, जानना चाहते हैं उस इंसान को कि वो कैसा है। लेकिन यही है कि ये आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं, पर इन पर परिवार का दबाव भी है कि इनको शादी कर लेनी चाहिए या अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ये सब भी इनके साथ चलता है। तो इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, और अपने ईगो को ये हर्ट नहीं करना चाहते, ये झुकना नहीं चाहते, ये भी एक समस्या है। इनके दिल में आपके लिए प्यार है लेकिन ये झुकना नहीं चाहते, इसी वजह से आपसे अभी तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप हो सकता है अपनी तरफ से कोई पहल करो, इनको यही लगता है। ये आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई पहल करोगे, आप खुद कांटेक्ट करोगे, आप खुद इनकी तरफ बढ़ोगे, ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा। और उम्मीद आपसे है इनको कि आप कोई ना कोई प्रयास करोगे इनकी तरफ बढ़ने के लिए। और ये खुद से कुछ नहीं करना चाहते, ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। और हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है, तो उन लोगों की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ खुद से नहीं बढ़ता। और इन पर ये भी दबाव है कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो इन्हें रिश्ते भी दिखाए जाते हैं और ये इंसान देखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, ये वहाँ भी बात करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान रहता है आपकी तरफ। लेकिन ये इंसान परेशान भी है अपने परिवार की ही वजह से, इनको इनकी मर्ज़ी के हिसाब से शायद वहाँ चलने नहीं दिया जाता। और ईगोइस्टिक तो आप भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप में बिल्कुल ईगो नहीं है, ईगो आप में भी है, ईगो उस इंसान में भी है, और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इस वजह से अभी तक आप दोनों एक नहीं हो पाए, आपका जो ये रिश्ता है सही नहीं हो पाया। पास्ट में ऐसा था गाइस कि आप झुकने को तैयार रहते थे, आप में ईगो उस समय कह दीजिए तो था ही नहीं, लेकिन इस इंसान के बर्ताव की वजह से अब आप भी उन्हीं की तरह हो गए हैं। ये इंसान तो पहले से ही ईगोइस्टिक है, ये तो गलती करके भी माफ़ी मांगने वाले नहीं है, ना झुकने वाले नहीं है, लेकिन आप पहले ऐसे नहीं थे। आप बिना गलती के भी इनको सॉरी कह के और इनके सामने झुक जाते थे, क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचाकर रखना था, आप नहीं चाहते थे कि वो इंसान आपकी लाइफ से जाए, तो आप झुकते थे। लेकिन इस इंसान की क्या ये आदत लग चुकी है कि खुद गलती करना है और आपको झुकाना है, ये पहले से ही चला आ रहा है और अभी भी ये यही चाहते हैं, जबकि ये खुद गलती करके गए हैं, इनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। लेकिन ये इंसान आज भी वैसा ही है, ये वही चाहता है कि आप झुकेंगे, आप अपनी तरफ से कांटेक्ट करेंगे, आप पहल करेंगे। तो अब आप भी इन्हीं की तरह हो गए हैं, आप भी अब समझ गए कि इस इंसान के सामने झुकने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये सुधरने वाला है नहीं। और आपका ये है कि गलती जब आपने की नहीं तो अब आप क्यों झुके, ये आपको लगता है, तो आप भी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ईगो की ही वजह से अभी तक ये रिश्ता ठीक नहीं हुआ है, ना वो झुकने को तैयार हैं और ना ही आप। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लॉयल देखते हैं, उनको लगता है कि आप उनके अलावा अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ भी नहीं सकते। ये भी उनके मन में आता है कि आप उनका ही वेट कर रहे हो, आप उनके लिए कभी भी ये नहीं था आपका कि आप किसी और के बारे में सोचें, आपका ध्यान सिर्फ उसी इंसान पर रहता था, आप यही चाहते थे कि फ्यूचर में भी आप उसी इंसान के साथ आगे बढ़ें। तो ये आपके पर्सन समझते हैं कि आप लॉयल हैं,
और आपको वो ऐसा मानते हैं कि आप उनके लिए सपोर्टिव सिस्टम हो। जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा तैयार रहते हो उनकी मदद करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए। तो आपको सपोर्टिव सिस्टम की तरह भी वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में रहते हो तो सब कुछ सही चलता है, चाहे वो उनके काम की बात हो, पैसों की बात हो, और किसी भी तरह से उनकी लाइफ में कुछ भी परेशानी नहीं रहती थी जब आप उनके साथ थे। और आपसे जब से वो अलग हुए हैं, उनके काम में भी प्रॉब्लम है, परिवार में भी समस्या चलती रहती है और कोई ना कोई परेशानी उनके साथ लगी रहती है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है, 1 वीक हुए होंगे या 1 मंथ हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आपके पर्सन ने और आपने तो ये फैसला कर लिया कि अब आप साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आप दोनों अलग होंगे और आप लोगों अब कभी लाइफ में आपको उनका साथ भी नहीं चाहिए। ये शायद आपने भी कह दिया होगा या उन्होंने भी कह दिया होगा कि हमेशा के लिए अब आपको अलग होना है। तो यहाँ पर फिर भी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इंसान ने भले कह दिया होगा गुस्से में या आपने उनसे कह दिया होगा, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वही चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। लेकिन देखिए, अब ये ब्रेकअप पुराना है या अभी का है, ये नो कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पर है ही। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सालों से अलग हैं अपने पर्सन से। लेकिन जो भी चल रहा है, आप लोगों का प्रॉब्लम यही है, ये ईगो, ना आप झुकने को तैयार हैं ना वो इंसान। तो यहाँ पर इसी वजह से सब कुछ अटका हुआ है। आप भी चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए और वो भी इंसान यही चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाएं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई किसी तरह से कोई प्रयास अब आप लोग नहीं करना चाहते। इसी वजह से अभी तक आप लोगों का रिश्ता नहीं सुधरा। और आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट हो रही है, अब ये साइकिल एंड हो रही है और एक नई साइकिल में एंटर करने के लिए आपके पर्सन यहाँ पर रेडी दिखाई दे रहे हैं। वो किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, अब ये कार्मिक हो सकता है कि ये इनके हस्बैंड या वाइफ हों, या फिर आप भी हो सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशन में भी हैं। तो किसी कार्मिक से अगर वो डील कर रहे थे तो वहाँ से वो रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। वहाँ सेपरेशन अब होने वाला है और कुछ लोगों का हो भी चुका है। तो वहाँ से आपके पर्सन निकल कर और एक नई साइकिल में एंटर करने वाले हैं। अगर आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, तो फिर वो ऐसा है कि आपके साथ ब्रेकअप अगर लंबे समय से चल रहा है तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा और वो अपने कार्मिक को छोड़ने वाले हैं। और अगर आप ही कार्मिक हैं तो फिर आपके साथ इनका रिलेशन ख़राब हो सकता है, ये भी है। पर यहाँ तो बहुत से लोग यहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम ही जर्नी में है, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। तो जो कार्मिक रिलेशन वाले हैं उनका रिलेशन ख़राब होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है और आपके पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो वहाँ से वो निकल कर अब एक नई साइकिल में एंटर करने को तैयार हैं और वो आपकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं, ऐसा भी है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो। और अगर आपके पर्सन आपके साथ बहुत टाइम से अलग हैं और किसी और से डील कर रहे थे, या उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या उनकी फैमिली ही हो सकती है जिनके पास वो चले गए और उनके साथ ही वो थे और आपका साथ बिल्कुल छोड़ दिया, बहुत टाइम से आप दोनों अलग हो गए हैं, या अभी भी अलग हुए तो भी वो किसी और के साथ अगर हैं तो समझ लीजिए कि वो उनके कार्मिक हैं और वहाँ से अब वो निकलने वाले हैं। वहाँ उनका रिश्ता ख़राब होता हुआ नज़र आता है। तो वो वहाँ से निकलेंगे तो किस तरफ बढ़ेंगे? आपकी तरफ। क्योंकि उस कार्मिक की वजह से आपकी वैल्यू आपके पर्सन समझ रहे हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि वो आपको कुछ भी नहीं समझते थे, आपको इग्नोर करते, आपको परेशान करना ही उस इंसान का काम रहा है। कभी वो आपकी लाइफ में आते, कभी आपको छोड़कर चले जाते, आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया इस इंसान ने। लेकिन जब उस थर्ड पार्टी के पास गए हैं, उस कार्मिक के पास आपके पर्सन गए हैं, तो जो उन्हें लेसन मिला है उसकी वजह से अब आपको वो समझने लगे हैं कि आप उनके लिए क्या थे। तो वो इंसान जब वहाँ से निकलेगा तो बढ़ेगा आपकी ही तरफ, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन अभी तुरंत की बात करें तो वो इंसान कंफ्यूज भी है, उन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। क्योंकि देखिए, वहाँ तो रिश्ता ख़राब हो ही रहा है, वहाँ पर तो कुछ भी उनके साथ सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन वहाँ पर स्टक हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो निकल गए, लेकिन वो सोच तो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन कन्फ्यूज़ भी हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ना सही होगा या नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा वो इंसान इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि उस इंसान को अब ये भी लगता है कि आप पता नहीं
क्या चाहते हैं, वो तो उन्हें तो कुछ पता है नहीं। आप दोनों बहुत टाइम से लो कांटेक्ट में हैं तो उनको समझ में आता नहीं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो इंसान इसी वजह से कंफ्यूज है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं सब कुछ छोड़कर तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, और अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका तो जो उनकी लाइफ है अभी जो, वो तो पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। ये वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। और उनकी फैमिली अगर उन्हें रिश्ते वगैरह भी दिखाती है तो वो देखते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने हाँ नहीं की है। वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जवाब उनका अभी भी हाँ या ना कुछ भी नहीं है। भले वो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, उनके हिसाब से वो चल रहे हैं, उनको भी वो हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन जवाब अभी तक उनका भी नहीं गया कि उन्होंने हाँ करनी है कि ना करनी है। ये वो इंसान ने अभी तक भी नहीं कहा और अभी भी वो कन्फ्यूज़ है कि वो क्या कहें, क्योंकि उनका ध्यान आपकी तरफ भी रहता है। और वो ये भी सोचते हैं गाइस कि आपकी तरफ से अगर कंफर्म हो जाए कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे तो उसके बाद वो जवाब दें। ये भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किसी तरह पता चल जाए उन्हें कि आप क्या चाहते हो, तो फिर अपने घर में जवाब दे सकेंगे कि भाई अपने फैमिली वालों को कह सकेंगे कि हाँ उन्हें दूसरी जगह शादी करनी है या नहीं करनी, या फिर अगर आप हाँ कर दोगे तो आपके बारे में ही वो बात कर लेंगे। ये भी वो सोचते हैं। और देखिए, इस इंसान में अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपसे कुछ भी कहने की, क्योंकि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया वो तो उन्हें सब कुछ याद है। तो आपको वो हर्ट करके गए हैं, इस वजह से उनकी हिम्मत भी नहीं है आपसे कुछ कहने की, आपसे कुछ बोलने की, आपसे पता लगाने की, पूछने की कि आप क्या चाहते हो। वो ये उनकी हिम्मत अभी नहीं हो रही, आपसे डरते हैं वो इंसान। और आप क्या जवाब दोगे ये भी वो सोचते हैं, अगर आपने ना कर दी तो वो हर्ट हो जाएंगे। वो इंसान अपने आप को हर्ट भी नहीं करना चाहता, ये भी परेशानी है। इस वजह से वो कोई बात ही नहीं करते आपसे, चाहते हैं आपसे पूछें कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और अब आगे आप क्या चाहते हो, आप उनको एक मौका देना चाहते हो या नहीं। ये वो आपसे जानना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन डरते हैं कहीं आप ना कह दिए तो वो हर्ट हो जाएंगे, ये उन्हें लगता है। और आपके पर्सन को कोई ना कोई सच्चाई भी पता चली है, जो लोग उनके साथ हैं उनकी सच्चाई उनके सामने आई है, आपके पर्सन के सामने आई है, ऐसा है। तो आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि कौन उनके लिए कैसा है, कौन उनके लिए क्या सोचता है, कौन उनका भला चाहता है, कौन उनका बुरा चाहता है। अब ये आपके पर्सन समझने लगे हैं और इसी वजह से गिल्ट में भी हैं, क्योंकि एक अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया, ये उन्हें लगता है। आप वो इंसान थे जो कभी उनका बुरा नहीं चाहते थे, भले ही आप गुस्से में कुछ भी कह देते लेकिन आपने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा। और वो जो लोग उनके साथ हैं वो उनका भला नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। उनको आपके पर्सन की फीलिंग से भी कोई लेना देना नहीं है कि उनके साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब वो खुश हैं कब दुखी हैं, कोई मतलब नहीं होता, बस उनको अपना फ़ायदा दिखता है उन लोगों को। तो ये बात अब आपके पर्सन समझ गए कि सब मतलब ही हैं उनके साथ, कोई भी उनके साथ ऐसा नहीं है कि जो उनकी फ़िक्र करता हो। और आप ऐसे ही इंसान थे लेकिन आपको भी उन्होंने खो दिया, ये उन्हें लगता है। तो इस वजह से वो इंसान गिल्ट में भी है। और अपनी गलती का तो उस इंसान को एहसास हो चुका है, और देखिए आप पर नज़र बनाकर रख रहे हैं, आपके पर्सन छुप छुप कर आपको देखते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, फेक अकाउंट से ही सही, लेकिन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप पर नज़र भी बनाकर वो इंसान रखता है। और अभी आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे भी आपके पर्सन को परेशानी होने लगता है कि आप अब कैसे इतना बदल गए, जो इंसान उनके बिना रह नहीं पाता था आज वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, यही वो जानना चाहते हैं कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया जिसकी वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अब उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, अपनी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते। तो ये भी वो इंसान को सही नहीं लगता कि आप इतना बदल कैसे गए हो, आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। तो इस बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और देखिए, ऐसा भी है कि वो इंसान अगर थर्ड पार्टी, ये उनके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, फैमिली तो हो ही सकती है, हस्बैंड या वाइफ हैं उनके, तो ये उनसे भी ऐसा है कि किनारा कर सकते हैं किसी भी तरह। देखिए, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके बिना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, वो भी खुश नहीं है आपके बिना, तो वो यही चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो और आप उन्हें छोड़कर कभी जाओ ना, आपको खोना नहीं चाहता वो इंसान। तो ये ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये वहाँ से भी अब वो तो ऐसा है कि उनको भी छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन आपको ये छोड़ देंगे उनकी वजह से ये भी नहीं है। और ये समझ भी गए हैं कि उस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया।
और इनकी लाइफ से बर्डन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ज़िम्मेदारी में ये फंसे हुए थे और ज़बरदस्ती ही रिश्ते को चला रहे थे, और बस यही था कि उनकी ज़िम्मेदारी है तो कैसे छोड़ दें, ये सोचकर उस रिश्ते को ही आगे ले जा रहे थे। और किसी भी तरह काम चल रहा था ले देकर, बस इनका वहाँ ये नहीं था कि वहाँ खुश, ऐसा नहीं था। तो ये जो बर्डन था इनका, इनकी लाइफ का, ये ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो आपको क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह कर ही उस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।